और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, जहां यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट सामने रखते हुए रूस के मिसाइल भंडार को लेकर बड़ा दावा किया है, जिसमें बताया गया है कि रूस के पास हथियार खत्म हो रहे हैं और इस वजह से अगस्त में रूस ने बड़े पैमाने पर मिसाइल का उत्पादन किया था। तो वहीं ईरान समेत कई देशों से मिसाइल की डिमांड भी की जा रही है। खत्म हो रहा रूस के पास बारूद, पुतिन पर भारी पड़ा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध, लुट गया पुतिन का बारूदी तहखाना। युद्ध की शुरुआत से ही बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी कर दी कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है और इसका परिणाम भी पुतिन के पक्ष में रहने वाला है। लेकिन रूस की हमलों से बर्बाद होते यूक्रेन ने जिस तरह से युद्ध में वापसी की, उसने पुतिन की पलटन के पसीने छुड़ा दिए। युद्ध में यूक्रेन की बढ़त ने पुतिन का गुस्सा सातवें आसमान पर ला दिया था। पुतिन के बारूदी तहखाने में जितने घातक हथियार रखे थे वो अपनी सेना के हवाले कर दिए थे कि कैसे भी करके युद्ध के मैदान में रूस के नाम यूक्रेन हार न लिख पाए। अपनी मिसाइलों के साथ साथ रूस ने ईरान से मिले ड्रोन से भी कीव और यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचाई थी, लेकिन उसका माकूल जवाब यूक्रेन की तरफ से भी मिलता रहा। पुतिन का बारूदी तहखाना खाली, यूक्रेन के जंग के बीच यूक्रेन की जो खुफिया रिपोर्ट आई है वो वाकई हैरान करने वाली है। आइए इस वक्त हम आपको बताते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या क्या दावा किया गया है। बिल्कुल, तो हम ये बता रहे हैं और जिस तरीके से जो इस्कंदर मिसाइल की अगर हम बात करें तो देखिए कि युद्ध से पहले इसकी संख्या जो थी वो 900 थी, लेकिन अब ताजा हालात क्या है 119 हो गई है, यानी कि किस तरीके से यहाँ पर इस्कंदर मिसाइल की शॉर्टेज हुई है ये आंकड़े बताते हैं। अब आगे रीमा बताइए। बिल्कुल, तो युद्ध के बीच में क्या हालात बन गए हैं और मिसाइलों की क्या स्थिति है ये इस वक्त हम दूसरे मिसाइल की बातें करेंगे। कलिब्र मिसाइल जो है उसकी संख्या युद्ध से पहले क्या स्थिति थी, 500 इसकी संख्या, लेकिन अभी ताजा हालात क्या है 229 इसकी संख्या है। यानी युद्ध में मिसाइलों की भूमिका आपने देखा है कि कैसे ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं और ये दोनों ही मिसाइलों की स्थिति अभी खराब है, यानी है नहीं। बिल्कुल, इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उसके सैनिक यूक्रेन के ठिकानों पर मिसाइल से हमला करते दिखाई दिए। रूस ने दावा यह किया है कि इस हमले में यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंच चुका है और यह हमला खार्कीव के एक इलाके में किया गया। रूस का दावा है कि इस हमले में 60 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। इसके साथ ही यूक्रेन के 1 MI हेलीकॉप्टर भी मार गिराने का दावा किया गया है। यही नहीं, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में रूस की और भी मिसाइल को लेकर बड़ा दावा किया है और यह दावा क्या कहता है ये इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें रूस की 3M55 मिसाइल को लेकर जो दावा किया गया है वो हम आपको बताते हैं कि इसकी संख्या कितनी है, 347। बिल्कुल, तो ये यूक्रेन का बड़ा दावा किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें S-300 मिसाइल की तो इसकी संख्या जो सामने आई है वो 6980 सामने आई है और इसके अलावा अन्य मिसाइलों की संख्या कितनी है, 801 मिसाइल बची है। यानी हम अभी मिसाइल पे फोकस करें क्योंकि युद्ध के 9 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुके हैं और उसमें मिसाइलों की संख्या बस यही है। बिल्कुल, तो इतनी मिसाइलें इनके पास बची हैं जो कि चिंता बढ़ाने वाली भी है। महायुद्ध में रूस के जंगी बेड़े की सबसे घातक मिसाइल कलिब्र की समंदर में तैनाती एक बड़े खतरे का इशारा कर रही है। बिल्कुल, पश्चिमी मीडिया की खबरों में दावा किया जा रहा है कि रूस ने 24 कलिब्र मिसाइलों को काला सागर में तैनात कर दिया है जो पुतिन के एक इशारे पर यूक्रेन में कहर बरसा सकते हैं। आज 9 महीने बाद यूक्रेन की जमीन रूस की बारूदी बारिश से बर्बाद हो चुकी है। आसमान से बमों की बारिश करने के बाद रूस ने अब युद्ध क्षेत्र में वो कदम उठाया है जिसे सुनकर अमेरिका यूक्रेन समेत नेटो देशों के माथे पर शिकन आ गई है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है
कि रूस ने काला सागर में 24 कैलिबर क्रूज मिसाइल तैनात कर दी हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपने उन सभी घातक हथियारों को जंग के मैदान में उतारा है जिनसे वो यूक्रेन को शिकस्त दे सके, फिर चाहे वो मिसाइल हो या फिर ड्रोन या फिर सोवियत काल के हथियार। अपने बारूदी खाने में रखे छोटे से लेकर बड़े हर एक हथियार का दम पुतिन इस युद्ध में दिखा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया की खबरों की माने तो रूस के पास काला सागर में युद्ध के मोर्चे पर डटे 18 युद्धपोत हैं। रूस के पास समंदर में 4 मिसाइल लॉन्चर हैं। बड़े पैमाने पर काला सागर में मिसाइलों की तैनाती यूक्रेन के खिलाफ बड़े खतरे का संदेश दे रही है। कैलिबर क्रूज मिसाइल, यूक्रेन जंग में रूस ने अपनी खतरनाक कैलिबर क्रूज मिसाइल का जमकर इस्तेमाल किया है। इस मिसाइल ने यूक्रेनी शहरों में जबरदस्त तबाही मचाई है। रूस की ये मिसाइलें काफी शक्तिशाली हैं। इन्हें 3M54 कैलिबर के नाम से भी जाना जाता है। 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। अपनी रेंज में आने वाले हर टारगेट को कैलिबर नेस्त नाबूद कर देती है। इसे आसमान से भी लॉन्च किया जा सकता है, जमीन से भी और समुन्दर से भी इसे दागा जा सकता है। यूक्रेन में कैलिबर क्रूज मिसाइल विध्वंस मचा रही है। कैलिबर मिसाइलें रूस के सबसे खतरनाक हथियारों की कैटेगरी में बहुत ऊपर है। टारगेट से टकराते ये तबाही मचा देती है। कैलिबर क्रूज मिसाइल 1994 से रूसी सेना में अपनी सेवाएं दे रही है। इस मिसाइल ने सीरियाई गृह युद्ध के दौरान भी अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। ये वही कैलिबर मिसाइल है जिसको लेकर यूक्रेन ने दावा किया था कि रूसी सेना ने कैलिबर मिसाइल के जरिए पश्चिमी यूक्रेन स्थित अमेरिकी हथियारों के गोदाम को नष्ट कर दिया था। इस गोदाम में अमेरिका से मिले हुए M777 ओविट्ज़र और उसके गोला बारूद रखे हुए थे। दावा ये भी था कि इस मिसाइल अटैक में गोदाम के परखच्चे उड़ गए थे। यूक्रेन ने रूस के हमले के डर से इस गोदाम को पोलैंड सीमा के पास बनाया था, लेकिन कैलिबर का कहर उस पर बरसा। जाहिर है ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोप से मिलने वाले हथियारों के दम पर पुतिन को बहुत घाव दिए हैं, जिसका बदला लेने के लिए पुतिन ने अपनी युद्ध नीति को बदल दिया। आसमान से समंदर तक बारूद का दम दिखाने के लिए रूस की सेना मोर्चे पर डट कर खड़ी हो गई और यूक्रेन में कहर ढा रही। जंग के मैदान से एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के सैनिक पूरे जोश में मोर्चे पर डटे हुए हैं और जिसका वीडियो यूक्रेन के दक्षिण इलाके से आ चुका है सामने, जिसमें यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट रूस का